हेलो एवरीवन वेरी 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 गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू नमस्कार बहुत जल्दी मॉर्निंग हेलो काली हाय कौशल साधना सुजाता क्या बात है हेलो रमेश वेरी वेरी गुड मॉर्निंग सुप्रभात आप लोगों को हेलो प्रेम हाय पलाश लक्ष्मी कालूस्वामी उर्मिला वेरी वेरी गुड मॉर्निंग सुप्रभात आपको

गुड मॉर्निंग विकास हेलो कामता हाय नरेंद्र वेरी गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग आरती क्वीन सर रात को दस बजे वाली क्लास रोज रहती है क्या हाँ क्वीन एक्चुअली ये रोज होती है मतलब यहां पर मंडे टू फ्राइडे सोमवार से शुक्रवार ओके okay, रात को दस बजे दैट इज द बूस्टर कोर्स क्लास वो बूस्टर कोर्स की क्लास है ठीक है दैट्स गुड हाय चिन्मोई हेलो अनिशा हाय रोहित वेरी वेरी गुड मॉर्निंग या अरे गजब बहुत बढ़िया जय जय श्री राम और आप सभी लोगों को ओके राम जी के जन्म दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं ओके राम नवमी की बहुत बड़िया, बहुत शुभकामनाएं बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया क्या बात दैट्स गुड सो ग्रेट बहुत बढ़िया चलिए एवरीबडी आर नाउ ओवर हियर अब सबके सब आ चुके हैं सो आई एम जस्ट गोइंग टू स्टार्ट द क्लास क्लास को शुरू करते हैं मैं सबसे पहले बता दूं कि एक्चुअली अभी तक भी आप अगर हमारे फ्री क्लासेस को ज्वाइन नहीं करते हैं तो मॉर्निंग की क्लास दैट इज अके एम यानी कि सुबह सुबह आठ बजे मंडे टू फ्राइडे गो ऑन एंड गिव द शानदार एक्चुअली सेशन सुबह से एक ऐसा सेशन है जहां पर आपके बार आप करते हो पूरी तैयारी ऐसी आपके पास में यहां पर टेक्स सुपर कोचिंग के ऐप पर एक फ्री क्लास तो ऐप आप को आपको डाउनलोड करना होता है ऐप को कैसे डाउनलोड करोगे तो इसी पर्टिकुलर वीडियो के नीचे दिए हुए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिलता है ऐप का लिंक और हाँ टेलीग्राम ग्रुप का लिंक सो so एक्चुअली आप फटाफट टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन करेंगे और ऐप भी ज्वाइन करेंगे हाय शिवा वेरी गुड मॉर्निंग क्या बात है हाय मिस्टर बाबू नमस्कार वेरी वेरी गुड मॉर्निंग सुप्रभात बहुत बढ़िया ओके हेलो आरती बहुत अच्छे हाय प्रेम बहुत बढ़िया हेलो अमूल्या वेरी वेरी गुड मॉर्निंग सुप्रभात है ना और रामनवमी सभी को चलो भाई तो यहां से शुरू करते हैं आज हमारे डिस्कशन होने वाला है अबाउट द रिमोट सेंसिंग जीआईएस एंड जीपीएस एक शानदार सेशन लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं एक बार और कि फटाफट आप इस क्यूआर कोड को स्कैन करके हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हो जब आप हमारे ऐप पर आते हो तो यहां पर आपको मिलता है फ्री लाइव क्लासेस प्रैक्टिस सेशंस मॉक टेस्ट क्वीज और खूब सारा पीडीएफ तो यहां पर देर मत कीजिएगा अपने इन पर्टिकुलर ओके इंपॉर्टेंट फ्री स्टेप्स को लेने के लिए है ना दैट्स गुड चलो भाई

ये है आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द टाइप्स ऑफ रिमोट सेंसिंग ओके रिमोट सेंसिंग के प्रकारों के बारे में सही कथन चुनिए ओके okay, लीजिएगा क्या कहता है द पैसिव रिमोट सेंसिंग डिपेंड्स ऑन द नेचुरल सोर्स ऑफ द रेडिएशन ओके निष्क्रिय रिमोट सेंसिंग विकिरण के प्राकृतिक स्रोतों पर निर्भर करता है नेक्स्ट एक्टिव रिमोट सेंसिंग जनरेट इट्स ओन एनर्जी टू इल्यूमिनेट द टारगेट सक्रिय रिमोट ओके सेंसिंग लक्ष्य को रोशनी करने के लिए अपनी ऊर्जा उत्पन्न करता है नेक्स्ट थर्मल इमेजिंग इज अ टाइप ऑफ एक्टिव रिमोट सेंसिंग ओके थर्मल इमेजिंग एक प्रकार का सक्रिय रिमोट सेंसिंग सुदूर संवेदन होता है एंड नेक्स्ट रडार इज एन एग्जाम्पल ऑफ पैसिव रिमोट सेंसिंग ओके रडार जो है निश्क्री रिमोट सेंसिंग का एक उदाहरण है चलो देंगे रिस्पॉन्स आप लोग फटाफट ओके पंद्रह सेकंड का समय आपके पास में कौन सा स्टेटमेंट सही है यहां से आपको रिस्पॉन्स करना है चलो गो ऑन एंड गिव द रिस्पॉन्स फास्ट ये बात और मेरे रिक्वेस्ट आप सभी लोगों से है जल्दी जल्दी ओके प्लीज काइंडली शेयर द सेशन विद योर फ्रेंड्स अपने मित्रों के साथ में सेशन को शेयर जरूर कीजिएगा ओके बहुत बढ़िया बहुत शानदार सो करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है कि सही स्टेटमेंट कौन सा है है द द आंसर इज वन करेक्ट क्या बात ए एंड बी यानी कि ए और बी बिल्कुल सही है सी और डी बिल्कुल सही नहीं है एंड द आंसर इज द ए करेक्ट क्या बात है बहुत बढ़िया मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट से बिल्कुल सही तो है सबसे पहली बात एक्चुअली थर्मल इमेजिंग जो टाइप होता है दैट इज नॉट द एक्टिव ये हमारे पास में एक्टिव नहीं बल्कि एक्चुअली हमारे पास सब पैसिव होता है मतलब एक्चुअली क्या हो जाता है जो होते हैं, में हमारे पास में नेचुरल सोर्सेस को ही हम यहाँ पर क्या करते हैं कैप्चर कर रहे होते हैं वेरी सिंपल बहुत साधारण सी बात है और रडार जो है वैसे हमारे पास में पैसिव नहीं एक्टिव है क्योंकि ये हमारे पास में क्या करता है ये एक्टिव रिमोट सेंसिंग क्या करता है जनरेट करता है अपनी खुद की एनर्जी को बहुत बढ़िया शानदार बहुत जबरदस्त है ना हाई दीपांकर बहुत बढ़िया लीजिएगा प्लीज नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन अगला प्रश्न आपके पास में विध स्टेटमेंट अबाउट द बेसिक ऑफ रिमोट सेंसिंग आर करेक्ट ठीक है रिमोट सेंसिंग के बुनियादी सिद्धांतों के बारे में कौन सा कथन सही है ओके okay, आपको रिस्पॉन्स करना है रिमोट सेंसिंग ऑनली इनवॉल्व कैप्चरिंग इमेजेस फ्रॉम दिस स्पेस ओके रिमोट सेंसिंग में केवल अंतरिक्ष से छवियों को कैप्चर करना शामिल होता है नेक्स्ट इट सेंसर टू कलेक्ट डेटा एंड प्लेटफॉर्म टू कैरी डेटा एकत्र करने के लिए एक सेंसर और सेंसर को ले जाने के लिए एक प्लेटफॉर्म की आवश्यकता होती है नेक्स्ट रिमोट सेंसिंग कैन ऑनली डिटेक्ट द विजिबल लाइट ओके रिमोट सेंसिंग केवल दृश्य प्रकाश का पता लगा सकता है नेक्स्ट इट बोथ डेटा एक्विजिशन एंड डेटा एनालिसिस इसमें डेटा के अधिग्रहण और डेटा के विश्लेषण दोनों शामिल होते हैं ठीक है चलिए अब आपको देना है रिस्पॉन्स यहां से रेडी है सब लोग तैयार लीजिएगा प्लीज फिफ्टीन सेकेंड्स का टाइमर आपके पास में टाइमर हेलो गजल गुड मॉर्निंग सुप्रभात आपको हाई शुभी चलो 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 फटाफट जल्दी से गिव द रिस्पॉन्स निकल चुका आंसर इज द बी एंड डी का राइट है यहाँ पर क्या है बी और डी बिल्कुल सही रिस्पॉन्स है यहां पर बी और डी बिल्कुल सही रिस्पॉन्स है दैट इज वॉट यहां पर शानदार अब बात करते हैं आखिर यहां पर देख लेते हैं सो रिमोट सेंसिंग ओनली इन्वॉल्व कैप्चरिंग इमेजेस फ्रॉम द स्पेस ना बा इमेजेस फ है एयर बेलून से भी ले सकते हैं हमारे पास वो मल्टीपल प्लेटफॉर्म होते हैं कई प्रकार के प्लेटफॉर्म जहां से हम ले सकते हैं नेक्स्ट आता है रिमोट सेंसिंग कैन ऑनली डिटेक्ट द विजिबल लाइट नहीं ऐसा नहीं है रिमोट सेंसिंग कैन डू द डिटेक्ट द पर्टिकुलर इमेजेस एंड डू द स्टडी इन टू द एनी ऑफ का स्पेक्ट्रम ऑफ द बैंड किसी भी प्रकार के स्पेक्ट्रम बैंड में यहां पर काम कर सकता है बट मेनली फ्रॉम द पर्टिकुलर वी कैन से यानी कि मुख्य रूप से हमारे पास में अल्ट्रावायलेट से लेकर के रेडियो वेव्स तक के बैंड में स्पेक्ट्रम्स में ओके okay, ज्यादा अच्छे तरीके से काम करता हुआ दिखता है बहुत बढ़िया बहुत शानदार चलिए चलता हूं आगे लेट्स मूव फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन अगला प्रश्न आपके पास में है क्वेश्चन नंबर थ्री तीसरा प्रश्न हाय राजेश गुड मॉर्निंग सुप्रभात फटाफट जल्दी से सेशन को अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर जरूर कर दीजिएगा ओके okay, जितना हो सके क्या करना है आप यहाँ पर अपने फ्रेंड्स के साथ में सेशन को शेयर कीजिएगा ताकि वो लोग भी आकर ज्वाइन कर सके है ना दैट्स गुड सो ग्रेट चलिए सेशन को लाइक करना मत भूलिएगा विच स्टेटमेंट्स आर ट्रू रिगार्डिंग द रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन इन डिफरेंट जोन ओके विभिन्न क्षेत्रों में रिमोट सेंसिंग अनुप्रयोगों के संबंध में कौन सा कथन सत्य है

अर्बन प्लानिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट ओके रिमोट सेंसिंग का उपयोग शहरी नियोजन और बुनियादी ढांचे के विकास के लिए किया जा सकता है और फिर इट द एग्रीकल्चर मैनेजमेंट इसका कृषि प्रबंधन में थोड़ा सीमित उपयोग है ओके okay, यहां से आप लोग रिस्पॉन्स वापिस करेंगे तो देना है रिस्पॉन्स आपको रेडी तैयार हो जाएगा पंद्रह सेकेंड का टाइमर आपका गो ऑन एंड गिव द रिस्पॉन्स फास्ट ओके और एक बार फिर से मैं कहना चाहूंगा आप लोग अपने फ्रेंड्स के साथ में सेशन को शेयर कर दीजिएगा ताकि वो लोग भी आकर के इन पर्टिकुलर क्वेश्चन को देख सके दी आई एस एंड ये बात बहुत बढ़िया टाइम इज ओवर समय निकल चुका क्या कहता है सो आंसर इज द टू करेक्ट दैट इज वॉट बी एंड सी यानी कि बी और सी बिल्कुल सही है बी और सी बिल्कुल सही है ओके okay, जबकि यहां पर ए और <coughs> डी जो है इट इज नॉट द करेक्ट रिस्पॉन्स बहुत बढ़िया क्या बात है दीपांकर बहुत अच्छे जबरदस्त यहां पर देखते हैं सो रिमोट कैन नॉट बी यूज इन अंडर वाटर एनवायरमेंट ऐसा नहीं है वी कैन यूज इन टू द अंडर वाटर एनवायरमेंट हम यहां पर राडार की बात करते हैं दरअसल इट हैज लिमिटेड यूज इन द एग्रीकल्चर मैनेजमेंट नहीं भैया लिमिटेड नहीं एक्सटेंसिव यूज होता है मल्टीपल एक्चुअली यहां पर आइडियाज हम लिख सकते हैं इज क्लियर दैट्स गुड चलो भाई चलते हैं आगे अगला प्रश्न हमारे पास में क्वेश्चन नंबर फोर चौथा प्रश्न आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट्स अबाउट द रिमोट सेंसिंग इन इंडिया ठीक है बताएगा भारत में रिमोट सेंसिंग के बारे में सही कथनों की पहचान करो इंडिया रिलाईज एंटायरली ऑन फॉरन सेटेलाइट फॉर द रिमोट सेंसिंग डेटा भारत रिमोट सेंसिंग डेटा के लिए पूरी तरह से विदेशी उपग्रहों पर निर्भर है नेक्स्ट सैटेलाइट आर पार्ट ऑफ इंडिया रिमोट सेंसिंग प्रोग्राम okay, इसरो के कार्टोसेट श्रृंखला के उपग्रह ओके okay, भारत के रिमोट सेंसिंग कार्यक्रम का हिस्सा है द रिमोट सेंसिंग इन इंडिया इज यूज ओनली फॉर द मिट्रोलॉजिकल पर्पसेस भारत में रिमोट सेंसिंग का उपयोग केवल मौसम संबंधी उद्देश्यों के लिए ही किया जाता है एंड नेक्स्ट रिमोट सेंसिंग टेक्नोलॉजी हेल्प इन डिजास्टर मैनेजमेंट इन इंडिया रिमोट सेंसिंग प्रौद्योगिकी भारत में आपदा प्रबंधन में भी सहायता करती है मदद करती है चलिए देंगे रिस्पॉन्स आप लोग 15 सेकंड्स का टाइमर आपके पास में है गो ऑन एंड गो द रिस्पॉन्स लीजिएगा प्लीज और अभी तक भी अगर आप लोगों ने सेशन को लाइक नहीं किया है तो आई रिक्वेस्ट फटाफट जल्दी से सेशन को लाइक कीजिएगा जल्दी जल्दी दैट्स गुड बहुत बढ़िया बहुत अच्छे बहुत बढ़िया सो द टाइम इज ओवर समय निकल चुका आंसर इज द अगेन बी एंड डी करेक्ट फिर एक बार और देखने को मिलता है हमारे पास में बी और डी बिल्कुल करेक्ट रिस्पॉन्स देख लेते हैं दैट इज वेरी गुड सो एक्चुअली हमारे पास में बात आती है क्या चीज यहां बात करते हैं इंडिया रिलायंस एंटायरली ऑन द फॉरन सेटेलाइट ना भैया ना एक्चुअली इंडिया हैव ऑल्सो स्टार्टेड एक्चुअली सिंस मेनी इयर्स ओके सेंडिंग द सेटेलाइट टू हैव द रिमोट सेंसिंग स्टडी एक्सटेंसिव स्टडी एंड इंडियन तो अध्ययन करने के लिए बहुत तेजी से यहां पर काम करना पिछले कई वर्षों से शुरू कर चुका है, है मीटरोलॉजिकल पर्पजेस in बिल्कुल नहीं देट इज एक्चुअली अगेन हैव एक्सटेंसिव यूजेस फॉर द डिफरेंट पर्पजेस फॉर द मेटरलॉजी केवल मौसम नहीं विभिन्न प्रकार के अन्य बहुत सारे कार्यो के लिए चलो, चलो चलते हैं ऑलमोस्ट नेक्स्ट प्रश्न आपके पास में होता है अगला प्रश्न आपके पास में प्रश्न सिलेक्ट द करेंट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द स्पेक्ट्रल जोन यूज इन द रिमोट सेंसिंग ओके रिमोट सेंसिंग में प्रयुक्त तो वर्णक्रमीय वर्ण क्रमीय स्पेक्ट्रल क्षेत्रों के संबंध में सही कथनों का चयन कीजिए ठीक है आपको रिस्पॉन्स करना है अल्ट्रावाइलेट रेडिएशन इज कॉमनली यूज इन रिमोट फॉर एग्रीकल्चर स्टडीज का उपयोग आमतौर पर कृषि अध्ययन के लिए रिमोट सेंसिंग में किया जाता है नेक्स्ट विजिबल लाइट इज सुटेबल फॉर एनालाइजिंग वाटर कलर एंड सेडिमेंटेशन दृश्यमान प्रकाश पानी के रंग और अवसाधन का विश्लेषण करने के लिए उपयुक्त होता है नेक्स्ट है इंफ्रारेड रेडिएशन यूजफुल फॉर मॉनिटरिंग वेजिटेशन हेल्थ ओके, इंफ्रारेड विकिरणों का वनस्पति के स्वास्थ्य की निगरानी के लिए उपयोग किया जा सकता है एंड पर्टिकुलर माइक्रोवेव रेडिएशन कैन नॉट पेनेट्रेट द क्लाउड कवर मतलब माइक्रोवेव विकिरण जो है वे बादलों के आवरण में प्रवेश नहीं कर सकते ठीक है दैट्स गुड चलिए आपको फिर वापस देना है स्टेटमेंट कौन सा करेक्ट है चलो स्टार्ट कीजिएगा पंद्रह सेकेंड का टाइम से गो फास्ट जल्दी जल्दी और फिर एक बार और मैं आप लोग बोलना चाहूंगा कि प्लीज काइंडली शेयर द सेशन विद योर फ्रेंड्स अपने मित्रों के साथ में सेशन को शेयर कर दीजिएगा ताकि वो लोग भी आकर के ज्वाइन कर लें। बहुत बढ़िया द टाइम इज ओवर आंसर इज द बी एंड सी करेक्ट बहुत अच्छे समय निकल चुका वापस एक बार और एच बी और सी बिल्कुल करेक्ट रिस्पॉन्स एकदम सही बहुत शानदार ओके क्या कहता है यहां पर तो कहते हैं कि बी और सी बिल्कुल करेक्ट रिस्पॉन्स है ओके okay, तो ए जो है कहता है कि अल्ट्रावायलेट रेडिएशन इज कॉमनली यूज्ड इन द सेंसिंग फॉर एग्रीकल्चर स्टडीज नहीं ऐसा नहीं है अल्ट्रावायलेट एक्चुअल रेस की बात करते हैं तो अल्ट्रावायलेट रेस सबसे जबरदस्त तरीके से काम होता है ओके okay, शिवा क्या बोलते हैं इतने अच्छे से पढ़ते हैं फुल कॉन्फिडेंस से आंसर कर रहे हैं और सब सही हो रहा है मजा आ रहा है <laughs> क्या बात है शिवा बहुत बढ़िया है ना दैट्स गुड बहुत अच्छे हाय भारती वेरी वेरी गुड मॉर्निंग सुप्रभात तो यहाँ पर जब बात करते हैं अल्ट्रावायलेट रेडिएशन यानी कि जब विकिरणों की बात करते हैं सो so, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन के थ्रू एक्चुअली हमारे पास में हम ओके नॉट ओनली द पर्टिकुलर वीके यहाँ पर हम इसका कॉमनली एग्रीकल्चर स्टडीज में यूज नहीं करते बल्कि अल्ट्रावायलेट रेज का हम यूज कर रहे होते हैं स्पेशली अबाउट द पर्टिकुलर डिफरेंट टाइप ऑफ द अंडरग्राउंड ओके ओशियन बॉडी या फिर कह सकते हैं कि महासागरीय है जो यहां पर निकाय होते हैं यहां बात कर सकते हैं कि अल्ट्रावायलेट रेज का हम यूज कर पाते हैं अबाउट द स्टडी एंड टू आइडेंटिफाई एंड सीक द पर्टिकुलर मिनरल्स विभिन्न प्रकार के खनिजों को खोज करने के लिए पेट्रोलियम के रिजर्व यानी कि पेट्रोलियम के भंडार को ओके okay, यहाँ पर पता करने के लिए इन सब के लिए हमारे पास में अल्ट्रावायलेट रेज रेंज का हम रिमोट सेंसिंग में उपयोग कर रहे होते हैं इज इट क्लियर दैट इज वेरी गुड अपार्ट फ्रॉम दैट इसके बाद करते हैं हमारे पास में डी माइक्रोवेव रेडियंस के नॉट पेनेटेट द क्लाउड कवर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है माइक्रोवेव रेडिएशन कैन ईजीली ओके डू द पेनेटेशन ऑफ द क्लाउड कवर यानी कि हमारे पास में बादलों को भेज सकता है देर इज नो इशू है ना दैट गुड चलो भाई चलते हैं आगे अगला प्रश्न यहां पर बात करते हैं एडवांस गुड मॉर्निंग सर अरे क्या बात है बहुत बढ़िया वेरी वेरी गुड मॉर्निंग सुप्रभात पहले ले लो और बोल दिया मैंने चलो भाई फटाफट जल्दी से हाय भारती वेरी वेरी गुड मॉर्निंग ओके अपना यह जो सेशन है ना अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करो भाई लाइक करो लाइक करो सेशन को गुड सो ग्रेट ओके अभी देखो ना कितने कम स्टूडेंट्स हैं रोजाना तो हमारे पास में ज्यादा होते हैं आज जी आई रिमोट सेंसिंग का नाम सुन करके अरे बाबा जी रिमोट सेंसिंग इतना बढ़िया इतना इंटरेस्टिंग टॉपिक है कि पूछो मन है कि नहीं एम राइट बताओ जल्दी रिमोट सेंसिंग जीआईएस जीपीएस कितना है भैया मजा आता है कि नहीं चलो अगला प्रश्न आपके पास में है क्वेश्चन नंबर सिक्स छठवा प्रश्न विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट अबाउट द जी आई एस ओके बताएगा जी आई एस के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है ओके okay, बताएंगे आप लोग जी आई एस इज सॉलि यूज फॉर द क्रिएटिंग मैप्स ओके okay, जी आई एस का उपयोग पूरी तरह से सिर्फ मानचित्र के निर्माण करने में किया जाता है GIS can easily, sorry, GIS can analyze spatial and non spatial data. Okay, GIS जो है स्थानिक और गैर स्थानिक विश्लेषण कर सकता है Okay, that's good. Next, यहाँ पर it only support data in digital format. यह केवल डिजिटल प्रारूप में ही डेटा का समर्थन करता है एंड देन जी आई इज इन अर्बन प्लानिंग एंड डिजास्टर मैनेजमेंट जीआईएस का उपयोग शहरी नियोजन और आपदा प्रबंधन में किया जाता है ठीक है आपको रिस्पॉन्स करना है कहां से यहां से यहां करना है है ठीक ना दैट्स गुड चलो फास्ट फटाफट सेकंड का समय आपके पास में हाय मेंबीर क्या बात है वेरी वेरी गुड मॉर्निंग सुप्रभात ओके असल भाई लीजिएगा प्लीज फटाफट पंद्रह सेकंड का समय आपके पास में है तेजी से तेजी से यह बात बहुत अच्छे बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया चलो 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 जल्दी से टाइम इज ओवर हमारे निकल चुका आंसर लीजिएगा सो आंसर इज द बी एंड डी इज करेक्ट बहुत अच्छे क्या बात है भाई इतना मतलब एक्चुअली आउटस्टैंडिंग आप लोग आंसर कर रहे हो देखो तो जरा यहां पर बी और डी बिल्कुल सही रिस्पांस है और यहां पर मैं देख पा रहा हूं एवरीबडी आर गिवन द रिस्पॉन्स आउटस्टैंडिंग वेरी करेक्टली सो so, यहां पर बात करते हैं ए जी आई एस इज सॉलिडली यूज फॉर द क्रिएटिंग मैप्स भाई ऐसा नहीं है ये मैप्स अकेला तैयार नहीं करता द मल्टीपल एक्चुअली यूजेस वी हैव फॉर द यहां पर एक्चुअल इंफॉर्मेशन सिस्टम है ना दैट्स गुड चलो भाई आग चलते हैं नेक्स्ट हम बात करते हैं इट ऑनली सपोर्ट द डेटा इन डिजिटल फॉर्मेट नो नेवर यहां पर सिर्फ डिजिटल फॉर्मेट को सपोर्ट नहीं करता एनी टाइप ऑफ द फॉर्मेट कुड बी ट्रांसफॉर्म इंटू द ओके डिजिटल फॉर्मेट यानी कि यहां पर क्या हो जाता है किसी प्रकार के भी प्रारूप को डिजिटल प्रारूप में ओके okay, रूपांतर

कौन सा कथन सत्य है ठीक है आप बताइएगा जरा डेटा रिप्रेजेंट्स जोग्राफिक फीचर्स एज पॉइंट लाइन एंड पॉलीगॉन्स ओके तो रेखापुंज डेटा जो है वो भौगोलिक विशेषताओं को बिंदुओं रेखाओं और बहुभुजों के रूप में प्रदर्शित करता है दूसरी तरफ वैक्टर डेटा इज बेस्ट सुटेड फॉर कंटिन्यूस डेटा ओके सच एज द एलिवेशन सर्विस वैक्टर डेटा जो है निरंतर डेटा के लिए सबसे ज्यादा उपयुक्त तो होता है जैसे कि ऊंचाई वाली सतह है नेक्स्ट जी आई एस रिक्वायर्स फिजिकल मॉडल फॉर डेटा इंटरप्रिटेशन जी आई एस को डेटे की व्याख्या करने के लिए भौतिक मॉडल की आवश्यकता होती है नेक्स्ट है आपके पास में अट्रीब्यूट डेटा इज जी आई एस कैन इंक्लूड टेक्सचुअल एंड न्यूमरिक इंफॉर्मेशन लिंक टू द स्पेशल डेटा और फिर आता है कि जी आई एस में विश्लेषता ओके okay, डेटा में स्थानिक डेटा से जुड़ी पाठ्य और संख्यात्मक जानकारी शामिल हो सकती है चलिए भाई देंगे रिस्पॉन्स आप लोग फटाफट और बताइएगा ओके कौन सा यहां पर बिल्कुल सही रिस्पॉन्स है दैट्स गुड सो ग्रेट बहुत जल्दी बहुत बढ़िया बहुत अच्छे ओके फटाफट फटाफट देख पा रहा हूं मैं बहुत बढ़िया चलो 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 जल्दी से दैट्स गुड सो ग्रेट लीजिएगा द टाइम इज ओवर समय निकल चुका आंसर इज द डी करेक्ट क्या बात है और यहां मैं देख रहा हूं एवरी ईच सभी लोग बिल्कुल सही रिस्पॉन्स कर रहे हैं एकदम करेक्ट है सो मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन बहुत बहुत शुभकामनाएं बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स आपका आ रहा है अके okay, चलते हैं आगे देखते हैं क्या कहता है क्वेश्चन नंबर एट आठवां प्रश्न आपके सामने है आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द एप्लीकेशन ऑफ जीआईएस ओके okay, जीआईएस के अनुप्रयोग के बारे में सही कथनों को पहचान कीजिए सही कथनों का पहचान कीजिए सो नॉट एप्लीकेबल टू द फील्ड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन क्या बोलता है जी परिवहन के क्षेत्र में लागू नहीं होता है नेक्स्ट इट कैन बी यूज फॉर द रूटिंग एंड शेड्यूलिंग इन लॉजिस्टिक्स ओके इसका उपयोग लॉजिस्टिक्स में रूटिंग और शेड्यूलिंग के लिए किया जा सकता है नेक्स्ट यहां पर जी आई एस रोल इन पब्लिक हेल्थ ओके जी आई एस की सार्वजनिक स्वास्थ्य में कोई भूमिका नहीं है नेक्स्ट हमारे पास में इट हेल्प इन डेमोग्राफिक स्टडीज बाय एनालाइजिंग पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन ओके यह जनसंख्या वितरण का विश्लेषण करके जनसंख्या के अध्ययन में मदद करता है सहायता करता है ठीक है चलिए आपको यहां से रिस्पांस करना है तेजी से बढ़ते हैं आगे और आपका रिस्पांस देखते हैं पंद्रह सेकंड का समय है ओके हालांकि ऑलरेडी सभी लोगों ने रिस्पॉन्स करना शुरू कर दिया सो गो फास्ट जल्दी जल्दी 15 सेकंड्स का टाइमर लेट्स मूव और द टाइम इज ओवर समय निकल चुका आंसर इज वॉट द बी एंड डी विज करेक्ट बहुत अच्छे बहुत बढ़िया एवरी वन ऑफ यू है बहुत 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 बढ़िया, बढ़िया। क्या बात है? बहुत बहुत है? शानदार। तो यहां पर देख सकते हैं बेसिकली हमारे पास बी और सी बिल्कुल करेक्ट है यहां पर जीएस नॉट एप्लीकेबल एक्चुअली इट इज नॉट ये क्या हो जाएगा ये डेफिनेटली एप्लीकेबल है और दूसरी बात हैज नो रोल तो यहां पर इसको भी हटा देंगे दैट इज द पब्लिक हेल्थ यानी कि यहां पर जबरदस्त रिस्पांस आप लोगों ने किया बहुत अच्छे बहुत शानदार बहुत बढ़िया चलिए चलते हैं आगे चलते हैं बेसिकली यहां पर क्या हो जाता है देखो इट कैन बी यूज शेड्यूलिंग भाई यहां पर रूटिंग और शेड्यूलिंग दोनों का तो काम है रूटिंग का मतलब आइडेंटिफाई करना आप लोग देखते हो ना जी में ग्लोबल इंफॉर्मेशन सिस्टम आपने ढूंढा क्या किया आपने यहां पर फर्पर फर्पर देखा और यहां पर देखा कि बेसिकली यहां पर मेरे मित्र का यहां पर जो घर गए वो कहां पर है ओके okay, चिंटू का घर किधर है तो यहां पर देखा कि चिंटू ने अपने घर पे बुलाया हुआ चिंटू का घर जो है जैसे हमने देखा तो वहां क्लिक किया क्लिक किया तो हमको देखने को मिलता है कि हमारे लोकेशन से चिंटू के घर के लोकेशन का जो हमारे पास में क्या मिलता है रूटिंग मिल जाती है कि नहीं मिलती है मिलती क्या नहीं मिलती है मिल जाती है ना रूटिंग वेरी सिंपल सो उसमें कंफ्यूजन वाली बात ही नहीं है ओके दैट्स गुड चिंटू के घर जाइएगा आज आप लोग है ना दैट्स गुड चलो भाई आगे चलते हैं अगला प्रश्न आपके पास में क्वेश्चन नंबर नाई नवा प्रश्न क्या बोलता है लेक्ट द करेंट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द फंक्शनिटी ऑफ जी आई एस राइट जी आई एस की कार्यक्षमता के संबंध में सही कथनों का चयन कीजिए जी आई एस नॉटोर डेटा ओवर टाइम लिमिटिंग इट्स यूज इन हिस्टोरिकल एनालिसिसके जी आई एस समय के साथ डेटा संग्रहित नहीं कर सकता जिससे ऐतिहासिक विश्लेषण में इसका उपयोग सीमित हो जाता है ओके नेक्स्ट इट कैन इंटीग्रेट डेटा फ्रॉम द मल्टीपल सोर्स एंड फॉर्मेट्स। ओके यह कई स्रोतों और प्रारूपों से डेटा को एकत्रित कर सकता है सरकारी उपयोग तक सीमित है नेक्स्ट जीआईएस एप्लीकेशन कैन इंक्लूड मैनेजिंग नेचुरल रिसोर्सेस एंड मॉनिटरिंग एनवायरमेंटल चेंजेस ओके जी आई एस अनुप्रयोगों में प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन और पर्यावरणीय परिवर्तनों की निगरानी शामिल हो सकती है चलिए भाई तो देंगे आप लोग रिस्पॉन्स यहां से आप लोगों को रिस्पॉन्स करना है फटाफट जल्दी दैट्स गुड आराम से देख करके हाय रोहित तो वेरी वेरी गुड मॉर्निंग सुप्रभात आपको दैट्स गुड लीजिएगा फिफ्टीन सेकेंड का टाइम ओके पंद्रह सेकंड का समय यहां पर शुरू हो चुका है नाउ हाँ पर समय हो चुका है पूरा और देखते हैं हमारे पास में क्या कहता है सो आंसर फोर क्या बात है बी एंड डी इज वेरी करेक्ट बहुत अच्छे फिर एक बार और यहां पर बी और डी एकदम सही रिस्पॉन्स है और यहां पर देख सकते हैं बेसिकली जी आई एस कैन नॉट स्टोर द डेटा ओवर द टाइम नहीं नहीं ऐसा नहीं है जी आई जोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम डू

ओनली स्टेटमेंट अच्छे पढ़ने की बात आंसर अपने आप ही आ जाते हैं यस इमरान एग्जैक्टली यू आर राइट बहुत बढ़िया ओके okay, चलो भाई चलते हैं अगला प्रश्न आपके पास में है क्वेश्चन नंबर टेन 10वां प्रश्न द स्टेटमेंट आर एक्यूरेटली रिगार्डिंग जीआईएस टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट ओके जीआईएस प्रौद्योगिकी प्रगति के संबंध में कौन से कथन सटीक हैं कौन से कथन सटीक हैं इज इट क्लियर चलो भाई यहां पर लिखिएगा GIS can only बी ऑपरेटेड by एक्सपर्ट्स विथ extensive प्रोग्रामिंग स्किल्स ओके GIS का संचालन केवल व्यापक प्रोग्रामिंग कौशल वाले विशेषज्ञों द्वारा ही किया जा सकता है रियल टाइम GIS डेटा इज एंड नॉट टेक्नोलॉजिकल फिजिबल वास्तविक समय GIS डेटा एक मिथक होता है और तकनीकी रूप से संभव नहीं है नेक्स्ट क्लाउड बेस्ड जी आई एस सर्विस अलाउ यूजर्स टू एक्सेस जी आई एस कैपेबिलिटी रिमोटली क्लाउड आधारित जी आई एस सेवाएं उपयोगकर्ताओं को दूर से जी आई एस क्षमताओं का पहुंचने की अनुमति देता है एंड फाइनली मोबाइल जी आई एस हैज एक्सपांडेड एक्सेसिबिलिटी ऑफ द जियोग्राफिकल डेटा कलेक्शन मोबाइल जी आई एस ने भौगोलिक डेटा संग्रह की पहुंच का विस्तार किया ठीक है आपको यहां से क्वेश्चन का रिस्पॉन्स देना है चलो भाई फटाफट फ़्ट, स्टार्ट कीजिएगा फिफ्टीन सेकंड का टाइमर वापस पंद्रह सेकंड का समय आपके पास में है गो ऑन गो ऑन एंड गिव द रिस्पॉन्स फास्ट तेजी तेजी से चलते जाओ टाइम इज ओवर समा निकल चुका आंसर इज द सी एंड डी वेरी करेक्ट सी और डी बिल्कुल करेक्ट रिस्पॉन्स एक बार फिर से यहां पर अपन देख पा रहे हैं बहुत बढ़िया बहुत जबरदस्त ओके okay, एकदम सही क्या बात है तो यहां पर देख लेते हैं सबसे पहले कि जी आई एस के एक्सपर्ट विदिव प्रोग्राम स्किल्स ऐसा कुछ भी नहीं है इट कुड बी यूज एंड ऑपरेटेड बाई एनी किसी भी के द्वारा रियल टाइम जी आई एस डेटा इज अथ ना बिल्कुल नहीं वी हैव द रियल टाइम जी एस डेटा ऑल्सो बहुत अच्छे बहुत बढ़िया जबरदस्त अगला क्या बात है फिर मैं आपको बता दूं कि दरअसल शुरू हो चुका है हमारे पास में जेआरएफ का बूस्टर कोर्स ये एक ऐसा बूस्टर कोर्स है जहां पर आपकी बार हम लोग तैयार करने वाले हैं आप सभी को करने के लिए जेआरएफ जेआरएफ पार पार तो अपने को करिएगा पार्क पेपर वन पे पेपर दोनों की तैयारी प्लस एक्चुअली यहां पर क्लासेस यानी कि लाइव क्लासेस के माध्यम से आपके लिए पूरी शानदार टीम तैयार है जो आपको दे रही है हमारे जेआरएफ के बूस्टर के कोर्स को सो जेआरएफ का बूस्टर कोर्स एक ऐसा कोर्स होगा जहां पर आपके पास में सारी के सारी रिविजन की क्लासेस रहेंगी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का बहुत तेजी से रिविजन होगा इसके अलावा आपके पास मॉक टेस्ट स्टडी नोट्स अवेलेबल होंगे इसके अलावा हाई क्वालिटी टॉपिक वाइज यहाँ पर क्वेश्चन क्वेश्चन प्रैक्टिस है और फुल्ली स्वर्ड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हमारे पास में होंगे तो सफलता है आपकी जिम्मेदारी है हमारी तो देर मत कीजिएगा जल्दी से ज्वाइन कीजिएगा हमारे 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 इस पर्टिकुलर जेआरएफ बूस्टर कोर्स को ओके okay, क्योंकि शुरू हो चुके हैं बैचेस ज्योग्राफी की क्लासेस हमारे पास में दस अप्रैल से हमने शुरू कर दी है हालांकि ओनली द्री क्लासेस वी कंप्लीटेड मात्र तीन कक्षाओं को हमने पूरा किया है आज से यहां पर आप चाहे तो ज्वाइन कर सकते हैं क्लासेस हमारी बूस्टर कोर्स की रात को दस बजे होती है बूस्टर कोर्स की ज्योग्राफी की क्लास रात को

फीस देने से पहले आप मेरे नाम के कूपन कोड का यूज कर लीजिएगा आपको मिलता है एक्स्ट्रा डिस्काउंट भाई यहां पर हमारा भी तो फर्ज बनता है है ना गुड चलो चलते हैं आगे और आगे बढ़ते हैं अपने पर्टिकुलर क्वेश्चन के डिस्कशन के ऊपर कालू स्वामी सो so ग्रेट फुल रोहित बहुत बढ़िया अच्छा आप लोग आप अपने डिस्कशन कर रहे हैं जुल्फिकार सर व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन सुपरवाइज्ड अनसुपरवाइज इमेज क्लासिफिकेशन भाई यहां पर सुपरवाइज अनसुपरवाइज का मतलब होता है कि वेटिकुलर नंबर वन अपरवाइज एक्चुअली वी कैन से इमेजेस आर दोज इमेजेस इन विच प्रोपरली वी कैन से पर्सन इज एक्चली वी कैन से स्पेशली सुपरवाइज का मतलब आप समझ के चलो कि दिट इज अन मेड ओके अंडर द सुपरविजन ऑफ द कंटिन्यूस प्रेजेंस ऑफ अ पर्टिकुलर ह्यूमन ओके और द पर्टिकुलर टेक्नीशियंस यानी कि जो मनुष्य है टेक्नीशियंस है उनके सुपरविजन में निरंतर कर रहे हो यहां पर इमेजेस और सारी चीजों पर काम कर रहे हो और दूसरा जो होता है ऑटोमेटिव है दैट इज वेरी डिफरेंस बहुत अच्छा साधारण सी बात ठीक है बहुत बढ़िया चलिए चलते हैं अगला प्रश्न आपके पास में है का थैंक यू बोल रहे हैं अभी तो पिक्चर शुरू हुआ है चलिए भाई सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द चैलेंजेस एंड लिमिटेशंस ऑफ जीआईएस ओके प्लीज जीआईएस की चुनौतियों ओके okay, और सीमाओं के बारे में सही कथन इज इट क्लियर प्लीज सबसे पहला जीआईएस डेटा इज ऑलवेज एक्यूरेट एंड रिलायबल ठीक है जीआईएस डेटा हमेशा सटीक और विश्वसनीय होता है डेटा प्राइवेसी इश्यूज कैन अराइज ट्रैकिंग एंड एनालिसिस मतलब यहां पर बात कर सकते हैं ट्रैकिंग और विश्लेषण में जीआईएस के उपयोग से डेटा गोपनीयता संबंधित समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। नेक्स्ट क्वालिटी ऑफ द डेटा इनपुट विश्लेषण डेटा इनपुट की गुणवत्ता से प्रभावित नहीं होता एंड सिग्निफिकटली इंपैक्ट आउटपुट ऑफ जी ओके दैट इज स्थानिक डेटा त्रुटियां जीआईएस विश्लेषण के आउटपुट को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित कर सकते हैं चलिए तो आप लोग देंगे रिस्पांस फटाफट फटा जल्दी से गो ऑन फिफ्टीन सेकेंड्स का टाइमर यहां से क्वेश्चन का आंसर करना है और मैं कह रहा हूं भैया जल्दी जल्दी फटाफट अपने फ्रेंड्स के साथ में सेशन को शेयर करो और जल्दी जल्दी बोलो उनको कि कम हियर टू ज्वाइन द सेशन शुरू हो चुका है और बढ़िया यहां पर क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं द टाइम इज ओवर समय निकल चुका ये हो गया देखिए जा द ए एंड डी इज द करेक्ट रिस्पॉन्स क्या बात है बिल्कुल सही ए और डी बिल्कुल करेक्ट रिस्पॉन्स है और यहां पर आप देख सकते हो इज यहां पर बी और सी सही रिस्पॉन्स नहीं है सो so बी बोलता है डेटा प्राइवेसी इश्यूज कैन विद द यूज ऑफ द जी आई एस बिल्कुल नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है नेक्स्ट बात कर सकते हैं जी आई एस एनालिसिस इज नॉट अफेक्टेड बाय द क्वालिटी ऑफ द डेटा इनपुट डेफिनेटली ये डेटा इनपुट की क्वालिटी पे डिपेंड तो बहुत ज्यादा करता ही है ना दैट्स गुड चलिए चलते हैं सो लेट्स मूव फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व बार बार प्रश्न आपके सामने ओके सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द चैलेंजेस ऑफ रिमोट सेंसिंग ओके रिमोट सेंसिंग की चुनौतियों के बारे में सही कथन चुने फिर एक बार डेटा इंटरप्रिटेशन डज नॉट रिक्वायर ओके स्पेशलाइज नॉलेज ओके डेटा व्याख्या के लिए विशेष ज्ञान की आवश्यकता नहीं होती है एटमोस्फेरिक कंडीशन कैन अफेक्ट द क्वालिटी ऑफ रिमोट सेंसिंग डेटा वायुमंडली स्थितियां रिमोट सेंसिंग डेटा की गुणवत्ता को प्रभावित कर सकती है नेक्स्ट आता है रिमोट सेंसिंग ऑलवेज प्रोवाइड रियल टाइम डेटा रिमोट सेंसिंग हमेशा वास्तविक समय डेटा प्रदान करती है और फिर आता है द द कॉस्ट ऑफ लॉन्चिंग एंड मेंटेनिंग कैन बी प्रोहिबिटेड यानी कि उपग्रहों के प्रक्षेपण और रखरखाव की लागत निषेधात्मक हो सकती है ठीक है चलिए आपको वापिस एक बार और करना है डिस्कशन यहां पर बताएगा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, सो फटाफट जल्दी पंद्रह सेकंड का समय आपके पास में है गो ऑन

व्याख्या नहीं कर पाओगे है ना दूसरी बात दूसरी बात है रिमोट सेंसिंग ऑलवेज प्रोवाइड रियल टाइम डेटा नहीं रिमोट सेंसिंग में हमारे पास में रियल टाइम डेटा तो होता है लेकिन इसके साथ में द नॉन रियल टाइम डेटा इज अवेलेबल बहुत अच्छे बहुत बढ़िया चलिए आगे चलते हैं द नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर थर्टीन तेरवा प्रश्न आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द रिजोल्यूशन इन रिमोट सेंसिंग ओके रिमोट सेंसिंग में रिजोल्यूशन के बारे में सही कथन को पहचान ओके okay, लीजिएगा प्लीज स्थानिक विभेदन सबसे छोटी वस्तु को संदर्भित करता है जिसका पता लगाया जा सकता है ओके स्पेशल रिजोल्यूशन रेफर टू द स्मॉलेस्ट प्रोजेक्ट ऑब्जेक्ट दैट कैन बी डिटेक्टेड नेक्स्ट टेंपोरल रिजोल्यूशन इज अनरिलेटेड टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ डेटा एक्विजिशन ओके टेंपोरल रिजोल्यूशंस जो है डेटा अधिग्रहण की आवृत्ति से संबंधित है नेक्स्ट स्पेक्ट्रल रिजोल्यूशन ओके डिटरमाइन द एबिलिटी टू डिस्टिंग बिटवीन द डिफरेंट वेवलेंस ओके स्पेक्ट्रल रिजोल्यूशन विभिन्न तरंग के बीच अंतर करने की क्षमता करता है और नेक्स्ट है रेडियो रिजोल्यूशन इज विद द सेंसर्स सेंसिटिविटी टू द साउंड वेव्स रेडियोमेट्रिक रिजोल्यूशन ध्वनि तरंगों के प्रति सेंसर की संवेदनशीलता से संबंधित है ठीक है चलिए देंगे रिस्पांस फास्ट फटाफट आपको यहां से आंसर करना है रेडी दैट्स गुड चलो 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 फटाफट फ़्ट स्टार्ट करो पंद्रह सेकेंड का समय आप लोगों के पास में गो ऑन एंड गिव द रिस्पॉन्स फास्ट बहुत बढ़िया द टाइम इज ओवर समय निकल चुका देखते हैं व्हाट इज द आंसर हियर सही उत्तर क्या है सो आंसर इज द ए एंड सी दिस टाइम यानी कि इस बार क्या आंसर है ए और सी बिल्कुल सही रिस्पांस है ए एंड सी बहुत शानदार बहुत बढ़िया क्या बात है सो so, ग्रेट बहुत अच्छा तो यहां पर बात करते हैं हमारे पास में सो बी एंड द ओके डी इज नॉट करेंट सो रिजोल्यूशन इज अनरिलेटेड टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ द डेटा एक्विजिशन कहते हैं टेम्पोरल का मतलब होता है समयबद्ध ओके दैट इज वॉट वी कैन से टाइम बाउंड दैट वी एज ए सो यहां पर होता है टेम्पोरल रिजोल्यूशन इज अनरिलेटेड सो टाइम बाउंड रिजोल्यूशन अनरिलेटेड होते हैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है दे आर एक्चुअली प्ले वेरी मच इंपॉर्टेंट रोल अगली बात आती है हमारे पास में दैट इज वी डिस्कस अबाउट रिजोल्यूशन इज कंसर्न विद सेंसर सेंसिटिविटी टू साउंड वेव्स नहीं यहां पर रेडियोमेट्रिक जो होते हैं रेडियो वेव्स की तरह काम करते हैं साउंड वेव्स के लिए हमारे पास में क्या होते है? में हैं ऑडियोमीटर काम करता हुआ दिखाई देता है गुड that बहुत अच्छे चलिए चलते हैं हमारे पास में लगते हैं अगला प्रश्न की तरफ क्वेश्चन नंबर फोर्टीन चौदहवा प्रश्न क्या कह रहा है विच स्टेटमेंट आर एक्यूरेट रिगार्डिंग द थर्मल रिमोट सेंसिंग थर्मल रिमोट सेंसिंग के संबंध में कौन सा कथन सटीक है कौन सा कथन सटीक है थर्मल सेंसर कैन ऑपरेट ड्यूरिंग द डे टाइम ओके थर्मल सेंसर केवल दिन में ही काम कर सकता है नू ऑब्जेक्ट ओके ऑन अर्थ वे पृथ्वी पर वस्तुओं के द्वारा उत्सर्जित ओके okay, अवृत्त विकिरणों को मापते हैं नेक्स्ट है थर्मल इमेजिंग इज प्राइमरली यूज फॉर द मिलिट्री सर्विलेंस ओके हमारे पास में थर्मल इमेजिंग का उपयोग मुख्य रूप से सैन्य निगरानी के लिए किया जाता है नेक्स्ट इट कैन बी यूज टू स्टडी द अर्बन हिट आईलैंड इसका उपयोग शहरी और के ताप का अध्ययन करने के लिए भी किया जाता है चलो शुरू करो और यहां से रिस्पॉन्स दे दो जरा फटाफट ये बात चलो 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 जल्दी से पत्रह सेकंड फिफ्टीन सेकेंड टाइमर विद यू यानी कि पंद्रह सेकंड का समय आपके पास में है जल्दी जल्दी स्टार्ट टाइम इज ओवर समय निकल चुका आंसर इज द बी एंड डी करेक्ट बी और डी बिल्कुल सही रिस्पॉन्स ओके okay, बहुत शानदार बहुत बढ़िया देख रहे हैं आप लोग ओके सो यहां पर क्या कर सकते हैं वी एंड डी इज द करेक्ट कर सबसे पहली बात कि थर्मल सेंसर कैन ओनली ऑपरेट ड्यूरिंग द डे टाइम दस कुछ नहीं है ओके डे नाइट दिन और रात हमेशा किसी भी समय एक्चुअली यहां पर थर्मल सेंसर्स काम करते हैं और दूसरी बात आती है हमारे पास में थर्मल इमेजिंग इज प्राइमरली यूज फॉर द मिलिट्री सर्विलेंस ऐसा कुछ नहीं है यहां पर मिलिट्री सर्विलेंस के अलावा मल्टीपल वी हैव द यूजेस फॉर हमका हमारे पास में क्या हो जाता है इसमें कई प्रकार के उपयोग हमारे पास में उपलब्ध है बहुत अच्छे बहुत बढ़िया द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन पंद्रवा प्रश्न आपके पास में विच स्टेटमेंट अबाउट द प्लेटफॉर्म फॉर द रिमोट सेंसिंग आर करेक्ट ओके रिमोट सेंसिंग के लिए प्लेटफॉर्म के बारे में कौन कौन सा सा कथन कथन सही सही है 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 के बारे में ठीक आपको बताना है आर द ऑनली प्लेटफॉर्म यूज फॉर रिमोट सेंसिंग ओके उपग्रह रिमोट सेंसिंग के लिए उपयोग किया जाने वाला एकमात्र मंच होता है नेक्स्ट आता है एरियल प्लेटफॉर्म्स इंक्लूड बोथ मैंड एंड अनमेड एयरक्राफ्ट देखिए जरा हवाई प्लेटफॉर्म में मानव युक्त और मानव रहित दोनों विमान शामिल होते हैं नेक्स्ट हमारे पास में हाई अल्टीट्यूड सुडो सैटेलाइट कैन स्टे एयरबोन फॉर सेवरल मंथ ओके यहां पर आता है उच्च ऊंचाई वाले ओके okay, छद्म उपग्रह कई महीनों तक हवा में रह सकते हैं एंड देन हैंडल्ड डिवाइसेस आर कॉमली यूज फॉर सेटेलाइट बेस्ड ऑन रिमोट सेंसिंग हैंडल्ड डिवाइस का उपयोग आमतौर पर उपग्रह आधारित रिमोट सेंसिंग पर किया जा सकता है ठीक है चलिए अब आपको देना है वापिस इसके लिए भी रिस्पॉन्स ओके सो बी रेडी फॉर दैट तैयार हो जाएगा और आंसर कीजिएगा फिफ्टीन सेकेंड के टाइमर पंद्रह सेकंड का समय आपके पास में है गो ऑन एंड गिव द रिस्पॉन्स फास्ट And the time is over, समय निकल चुका आंसर देख लेते हैं क्या बोलता है एंड आंसर हियर इज द बी एंड सी करेक्ट यहाँ पर बी और सी बिल्कुल सही करेक्ट रिस्पॉन्स है और यहां पर क्या हो जाता है द डी इज करेक्ट रिस्पॉन्स मतलब क्या हुआ यहाँ पर अगर हम देखें तो देखने को मिलता है कि सैटेलाइट आर द ऑनली प्लेटफॉर्म्स ओके यूज फॉर द रिमोट सेंसिंग यानी कि हमारे पास में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है रिमोट सेंसिंग के प्लेटफॉर्म जो है सेटेलाइट के अलावा भी मल्टीपल हम यूज करते हैं दूसरी बात हमारे पास में आती है हैंडल्ड डिवाइसेज आर कॉमनली यूज फॉर द सेटेलाइट बेस्ट रिमोट सेंसिंग देर इज नो नीड ऐसी कोई जरूरत नहीं है विदाउट आल्सो कैन बी यूज बहुत अच्छे बहुत बढ़िया चलो अब यहां पर बात करते हैं यहां पर नेक्स्ट हमारे पास बात आ रही है क्या बात आ रही है लीजिएगा प्लीज सबसे पहली बात हमारे पास में डिस्कस करेंगे अबाउट द होमवर्क क्वेश्चन सो लास्ट टाइम की क्लास में मैंने आप लोगों के साथ में होमवर्क क्वेश्चन डिस्कस किया था क्या होमवर्क क्वेश्चन था यहां देखिएगा मैंने आपसे पूछा था और मैंने आप लोगों से यह भी कहा था कि इस होमवर्क क्वेश्चन को मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रहा हूं आप लोगों को इसी पर्टिकुलर वीडियो के नीचे दिए हुए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको क्या करना है आपको कमेंट करके बताना है बहुत कम लोगों ने कमेंट किया मतलब क्या आप लोग इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर नहीं जानते इसलिए या फिर एक्चुअली यहां पर आप कमेंट नहीं किया या फिर सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है

इंटरनेशनल डेट लाइन है टाइम्स ऑन कैलकुलेशन मतलब अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा को पार करने से समय क्षेत्र की गणना पर क्या प्रभाव पड़ेगा यह क्वेश्चन मैंने आप लोगों से पूछा था तो यहाँ पर क्या हो जाता है इट रिजल्ट इन शिफ्ट ऑफ एक्जेक्टली ट्वेल्व आवर्स इसके परिणाम स्वरूप ठीक बारह घंटे का शिफ्ट हो जाएगा नेक्स्ट बोलता है इट डज नॉट अफेक्ट द टाइम्स ऑन कैलकुलेशन यह समय गणना को प्रभावित नहीं करता है और फिर था हमारे पास में इट कैन लेट टू द डिले Being added or कि एक दिन जोड़ा या घटाया जा सकता है और चौथा था, पर exactly था, था यह एक दिन जोड़ता है या कम करता है तो यहां पर क्या करते हैं इंटरनेशनल डेट लाइन का मतलब हुआ आपके पास डिग्रीट्यूड okay, एक सौ अस्सी डिग्री की देशांतरखा बहुत बढ़िया अब यहां पर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन पे पर तो डिस्कस कर चुके हैं लेकिन आज का अब मैं आप लोगों को देने वाला हूं ओके okay, यहां पर होमवर्क क्वेश्चन तो आज का जो मैं होमवर्क क्वेश्चन दूंगा इसके बारे में अपन कल मॉर्निंग में डिस्कस करेंगे लेकिन मैं आपको सबसे पहले दे देता हूं आपका होमवर्क क्वेश्चन क्या बोलता है सो दैट इज द होमवर्क क्वेश्चन फॉर यू विच स्टेटमेंट आर ट्रू अबाउट द यूजेज ऑफ रिमोट सेंसिंग इन द कोस्टल मैनेजमेंट ओके बताएगा

फ्लक्शन सेटेलाइट इमेजरी ज्वार उतार चढ़ाव को मैप करने में मदद करता है और रिमोट डेटा कैन नॉट असिस्ट इन द है समुद्री प्रदूषण के प्रबंधन में सहायता नहीं कर सकता ओके okay, यहां से आप लोगों का रिस्पांस दीजिएगा और आप बताइएगा कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है लेकिन आपसे रिक्वेस्ट करूंगा निवेदन करूंगा आप लोग आपके आप क्या करेंगे यहाँ चैट बॉक्स में दीजिएगा ये मेरा निवेदन आपसे है बॉक्स में जब आप आंसर करोगे सो मल्टीपल अदर स्टूडेंट्स सी सॉरी चेट बॉक्स बोल रहा हूं कमेंट बॉक्स एक्सट्रीमली सॉरी चेट बॉक्स नहीं नीचे कमेंट बॉक्स में आप लोग आंसर कीजिएगा कमेंट बॉक्स में जब आप आंसर करते हो कई बार एक्चुअली यहां पर जो लाइव चेट बॉक्सेस होते हैं कैन नॉट बी सी उनको हम नहीं देख पाते हैं इसलिए मेरा आपसे रिक्वेस्ट है होमवर्क क्वेश्चन का आंसर जो है आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा कमेंट बॉक्स में आंसर करने के साथ साथ आप ये जरूर बताएगा हाउ डू यू फाइंड द क्लासेस आपको क्लासेस कैसी लग रही दैट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर अस हमारे लिए काफी सहायता पूर्वक होंगे सो टेक केयर ऑफ ऑल और यहां पर ऐसी कुछ यहां पर हमारे साथ में जुड़ करके और हेल्प करते रहेगा मैं आपको फिर एक बार और बता देता हूं कि जे आर एफ बूस्टर कोर्स अब बार ले जाएगा आपको जेआरएफ पार क्योंकि इसमें एक्चुअली यहां पर एटी प्लस लाइव क्लासेस पेपर वन पेपर टू दोनों की शामिल है जिसमें एक्चुअली हमारे पास में हम जन के साथ साथ आपको मॉक टेस्ट या फिर क्वालिटी में सारी चीजें आपको प्रोवाइड करते हैं और यहां पर सबसे खास बात सफलता है आपकी तो मेहनत हमारी यानी कि जिम्मेदारी हमारी सो so, यहां पर बिल्कुल भी देर मत कीजिएगा जल्दी जल्दी फटाफट फर्ट ज्वाइन कीजिएगा ओके okay, सर आज जैसे क्लास है वैसे ही क्वेश्चंस लेके आया कीजिए डेली <laughs> क्या बात है क्या बात है ओके okay, बहुत बढ़िया दैट्स गुड चलो भाई डेफिनेटली लेकिन मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है आज यहां पर सिर्फ मैं इससे कहना चाहूंगा कि रोज जो मैं आप लोगों को क्लासेस क्लासेस प्रोवाइड करता हूं उन में आप लोग सेशन को लाइक कर लिया कीजिएगा और छोटा सा एक और रिक्वेस्ट आप लोगों से है कि आप लोग ना नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर 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 दे दिया करेगा ओके दैट प्ले अ रियली वेरी मच इंपॉर्टेंट रोल आपका एप्रिशिएशन आपके एडवाइजेज कैसी क्लासेस लग रही है और होमवर्क क्वेश्चन का आंसर तो आपका कमेंट्स में आना ही चाहिए है ना दैट्स गुड So, मैं आपको बता दूं कि यहां पर टेस्टबुक सुपर कोचिंग का सुपर और डुपर एक शानदार धमाकेदार जीआरए बूस्टर कोर्स ज्योग्राफी का शुरू हो चुका है पेपर वन की शुरुआत होने वाली है और पेपर वन में एक्चुअली यहां पर शुरुआत होने से पहले यहां पर एक फ्री वर्कशॉप कंडक्ट करने वाले हैं हैं एक एक फ्री वर्कशॉप हाँ पर आप देखेंगे, आप देखेंगे ओके तुलिका तुलिका मैडम मैडम देख सकते कि के साथ में आपका शानदार जबरदस्त वर्कशॉप है जिसमें वो बताने वाले हैं एक ऐसी स्ट्रेटेजी एक ऐसी रणनीति एटी प्लस लाइव कह सकते हैं कि स्कोर आप अपने पेपर वन में कैसे अचीव कर सकते हो तो बीस अप्रैल को दिन में बारह बजे बीस अप्रैल को दिन में बारह बजे एक्चुअली इनके साथ में जुड़ना मत भूलिएगा रजिस्टर ना हो यानी कि आप इस पर्टिकुलर वर्कशॉप के लिए अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं रजिस्टर करने के लिए इसी पर्टिकुलर क्या करना है इसी यहां पर ओके वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे तो आपको रजिस्ट्रेशन की लिंक मिल जाएगी वहां से आप अपने आपको लिंक करा सकते हैं भूलिएगा मत और मैं आपको बता दूं कि अभी तक भी अगर आप लोगों ने हमारा ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो टेस्ट सुपर कोचिंग का ऐप डाउनलोड कर लो क्योंकि यहां मिलते हैं बहुत सारी चीजें फ्री लाइव क्लासेस प्रैक्टिस सेशन मॉक टेस्ट क्वीजेस और खूब सारी पीडीएफ ओके सो तो थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू ओके काउंसलर से बात वाकई में करना मत भूलिएगा जीरो ओके फोर फाइव डबल एट डबल एट पॉइंट टू किसी भी टाइप की इंक्वायरी के लिए और हमें ज्वाइन करने के लिए और सबसे आखिरी में मेरे नाम के कूपन कोड का यूज करना मत भूलिएगा दैट इज एस एच आई एस एच यानी कि आशीष फॉर योर एक्स्ट्रा डिस्काउंट ठीक है ना कोचिंग. कोचिंग के इस प्लेटफॉर्म पर आने के लिए आपका हार्दिक हार्दिक क्या बात है रमेश अमूल्य दीपांकर बहुत बढ़िया सर यूनिवर्सिटी टीचिंग एंड रिसर्च कौन सी वर्क है ओके वर्कर है क्या बात है यूनिवर्सिटी टीचिंग और रिसर्च कौन से वर्कर है ये एक्चुअली मेरे पास में फोर ओके यानी कि यहाँ पर आते हैं क्वार्टर बहुत अच्छे बहुत बढ़िया हाय रोहित बहुत बढ़िया जुल्फिकार बहुत थैंक यू, यू सो मच टू एल ऑफ यू आरती बहुत बहुत धन्यवाद ओके आप सभी लोगों को तो कम टू हियर करने के लिए दैट इज वन स्टॉप सॉल्यूशन एक बार यहां आए तो फिर कहीं हो जाने की वाकई में जरूरत नहीं होती है चलो भाई तो आज शाम को फिर बात पे नो बजे मुलाकात होगी रात को नो बजे देर मत कीजिएगा ज्वाइन कीजिएगा और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन न किया हो तो यहां पर नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर के कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के आप वहां पर भी ज्वाइन कीजिएगा थैंक यू सो मच एंड टेक केयर बाय एंड ऑल द बेस्ट Have a good day, good day, good day.